सारंगढ़ जनपद क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में होवत है जम के धांधली। दूसर के घर में दूसर आदमी ला खड़ा करके फोटो खींच के आवास योजना के फार्म ला पास करवाए जाते। देखो सारंगढ़ ले हमारे डिजिटल रिपोर्टर दिनेश चोल्हे की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत सुवाताल के आश्रित ग्राम महकपुर में आवास मित्र दूसर के घर में दूसरा लड़का ला खड़ा करके फोटो खींच के फार्म पास करवा थे और जेखर घर है आधा अधूरा बने हैं उहू ल आने के नाम में घर के फोटो खींच के भेज देवा थे। मजा के बात यह है कि बिना जांच परखे अधिकारी मन एला पास घलो कर देवा थे। फोटो खींचाने के लिए सेटिंग किए थे। कौन बोला था उसे करने के लिए? आवास मित्र बोला था। कौन है आवास मित्र? कौन है? प्रफुल्ल खुटे। प्रफुल्ल खुटे क्या बोला था? सेटिंग करने के लिए बाहर साइड को दिखाने के लिए फोटो खींचने के लिए बोला था, तो वैसे किए। खाली फोटो खींचाने के लिए सेटिंग किए थे। आवास किसके नाम से सेक्शन हुआ है? उदय राम नेता। आपके पापा जी के नाम से? और जियोटेक किसके नाम से हुआ है? जियोटेक। मतलब किसके फोटो साथ जियोटेक हुआ है? अभी मेरे नाम मेरे से मतलब मेरा फोटो था। उम्र कितना हो रहा है आपका? 18 साल हो गया है। इधर निकाला। कहाँ है अभी? अभी वो काम करने गया। जियोटेक के लिए यहाँ कौन आते हैं? जियोटेक करने के लिए कौन आता है? खींचने के लिए जहाँ बंजारी के आवास मित्र। अच्छा, क्या नाम उनका? प्रफुल्ल है। अच्छा, वही सब जियोटेक करते हैं यहाँ से? प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास मित्र मन ला सही बनैया आवास के सही तरीका ले फोटो खींच के भेजना रही थे, लेकिन सिर्फ फर्जी फोटो ला दिखा दिखा के आवास के नाम में पैसा निकाले के खेल चलत है। और इस चौखट मंदिर ढलाई का लेवल हो चुका है। ढलाई हुआ है कि नहीं हुआ? ढलाई नहीं हुआ अभी तक। दोनों के घर में? जी। यहाँ डीपीसी हो गया? ऊपर में नहीं हुआ ना डीपीसी? नहीं, मतलब एक छत लेवल में होती है। छत लेवल में शायद इसमें नहीं होता है। अच्छा, नहीं होता है इसमें? नहीं होता। बाकी ढलाई बचा हुआ है? हाँ, ढलाई बाकी। अभी काम जारी है? हाँ, काम चालू है। आवास के तरफ से पता चलता है प्रफुल्ल कुमार कुटे। प्रफुल्ल कुमार कुटे, उनके कहने के दस्तावेज के आधार से ढलाई हो चुका दोनों मकान का। अच्छा, तो बात तो हमें जानकारी नहीं है, परंतु सामने में देख रहे हैं तो ढलाई तो नहीं हुआ अभी तक। नहीं। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में घपला करे वाला कर्मचारी और अधिकारी मन ऊपर सरकार का कार्यवाही करत है। सारंगढ़ ले डिजिटल रिपोर्टर दिनेश जोल्हे की रिपोर्ट।